नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। 2023 का बजट क्या कुछ कहने वाला है, ये आज हमारा खास विषय है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रही है। ये भारत का बजट ऐसे समय में पेश हो रहा है जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो गई है। ऐसे में दुनिया भर की नजर मोदी सरकार की बजट पर है। निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही है और इस दौरान उन्होंने बजट पढ़ना शुरू कर दिया है और सबकी नजर आज इस बजट पे, क्योंकि इस बजट पे तमाम चीजें निर्भर करती है कि किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या कुछ होगा इस बजट में। और साथ ही बता दें कि दुनिया भर की नजर सरकार की इस बजट पर है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पांचवा बजट है। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ये आखिरी पूर्ण बजट कर रही है और पिछले दो साल में आम बजट की तरह ही यह बजट भी पेपरलेस है। साथ ही बता दें कि इस बजट में देश की आर्थिक विकास और इकोनॉमी से जुड़े विभिन्न फैसले भी देखने को मिलेंगे आपको। साथ ही बजट से हर तबका को क्या कुछ राहत मिल सकता है, ये एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है। बता दें कि पिछले कई बजट से मिडिल क्लास को ज्यादा हाथ कुछ नहीं लगा है और वही इनकम टैक्स सीमा में भी छूट मिडिल क्लास हमेशा चाहती नजर आई है, लेकिन इस बार प्री बजट बैठक में भी मिडिल क्लास को राहत देने को लेकर मंथन हुआ था। सबसे अधिक विचार इनकम टैक्स के नई व्यवस्था में बदलाव को लेकर देखने को मिला था और साथ ही पीएमओ भी चाहते हैं कि चुनावी बजट में मिडिल क्लास के हाथ में कुछ ना कुछ दिया जाए। सरकार बजट में नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब्स में बदलाव की पेश कर सकती है और साथ ही बता दें कि इसको आकर्षण बनाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। अगर गुंजाइश बनी है तो सरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा भी बढ़ा सकती है इस बजट में। साथ ही बता दें कि इंडस्ट्रियल चैंबर में इनकम टैक्स निवेश में भी छूट देने और विशेष रूप से होम लोन छूट बढ़ावा सुझाव दिया जा सकता है ताकि रियल स्टेट तेजी से रफ्तार पकड़ सके। वही सरकार पर रोजगार सृजन न करने को लेकर भी आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में बजट में पीएलआई स्कीम का भी विस्तार पर इनमें 10 नए सेक्टर जोड़ सकती है और मौजूदा समय में 15 सेक्टर पीएलआई स्कीम के दायरे में है और इस स्कीम के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए आमंत्रण करने के अलावा इस योजना के उद्देश्य घरेलू कंपनियों के देश में अपना उत्पाद बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना होगा। सरकार का मानना है कि जितना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा उतना ही ज्यादा संख्या में नौकरी मार्केट में आएगी। और बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच गई है बजट पेश करने के लिए। उन्होंने बजट पढ़ना शुरू कर दिया है। इस बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, साथ ही इंपॉर्टेंट ये है कि महिला सशक्तिकरण पर इस बजट में कितना जोर दिया जाएगा, महिला सुरक्षा पर कितना फोकस किया जाएगा, साथ ही एमएसएमई को कितना मौका दिया जाएगा, ये भी एक काफी बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से यह बजट पेश किया जा रहा है और चुनाव भी आने वाले हैं, इसको लेकर ये बजट काफी अहम हो जाता है। शिक्षा के अवसर कितने बढ़ेंगे, ज्यादा टैक्स रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ ही बता दें कि पांचवा बजट पेश करना, निर्मला सीतारमण पहुंच गई है और इस दौरान पांचवा बजट पेश करने के लिए, और बता दें कि पहले वे राष्ट्रपति से मुलाकात की उन्होंने, उसके बाद कैबिनेट में अब मुहर लगेगी, फिर मुहर लगने के बाद निर्मला सीतारमण बजट पढ़ना उन्होंने शुरू किया। और साथ ही बता दें कि टैक्स छूट में उनका कितना दायरा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हर बार ये उम्मीद होती है रही है लेकिन लोगों को इसका निराशा और मायूसी देखने को मिली है, जिसके बाद से टैक्स छूट एक अहम सवाल है। क्योंकि ये बजट जिस तरीके से पेश हो रहा है और जिस तरीके से अब काफी लोगों को टैक्स छूट को लेकर काफी वो सवाल पूछते हुए नजर आते हैं और अब ये बजट जिस तरीके से पेश हो रहा है उसमें तमाम सवाल है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले भी उन्होंने मुलाकात की, मोहर लगी, उसके बाद से अब उन्होंने पढ़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए हैं और इस दौरान ये बजट अपने आप में ही काफी अहम हो जाता है। बेरोजगारी से लड़ने के लिए सरकार क्या कुछ फैसला लेगी, क्या आयकर में इस बजट को लेकर छूट मिलने की संभावना है, किसानों के लिए यह बजट कितना खास होने वाला है, क्योंकि
किसान हमेशा से ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनके हिसाब का बजट नहीं हमेशा मिलता है, और जिसको जिसकी वजह से ये बजट किसानों के लिए कितना खास होगा ये एक अहम सवाल है। कारोबारियों को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, मध्य वर्ग को क्या कुछ मिलेगा, इसको लेकर ये बजट पेश किया जा रहा है। और देखिए ये तस्वीर जहाँ पर ये बजट लेकर निर्मला सीतारमण पहुंच गई है, बजट पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। साथ ही बता दें कि इस बजट में डायरेक्ट टैक्स, जिसको लेकर हमेशा से सरकार एक सवालों के घेरे में रही है कि डायरेक्ट टैक्स को लेकर, तो इस बजट में डायरेक्ट टैक्स को लेकर क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, और साथ ही निर्मला सीतारमण के पिटारे में से क्या कुछ निकलता है इस बजट को लेकर, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और साथ ही सरकार हमेशा लाभार्थी का जिक्र हमेशा करती हुई नजर आती है, क्या कुछ उनके लिए स्कीम होंगे, क्योंकि जिस तरीके से लाभार्थी का हमेशा सरकार जिक्र करती नजर आई है तो उनके स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है। और गरीब कल्याण योजना की अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी ये बजट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सरकारें काफी बदल गई लेकिन गरीब कल्याण योजना एक ऐसी योजना है जो गरीबों के लिए हमेशा से बनाई गई थी, और इस गरीब कल्याण योजना को लेकर इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। व्यापार में संतुलन पर किस तरीके से रोक लग पाएगा ये भी इस बजट में देखना बहुत दिलचस्प होगा। कॉर्पोरेट जगत में इस बजट को लेकर क्या कुछ खास रहेगा, ग्रीन एनर्जी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, नितिन गडकरी करते हैं, इस बजट में ग्रीन एनर्जी को लेकर और क्या कुछ फैसला लिया जाएगा ये भी काफी देखना दिलचस्प होगा। और इस बता दें आपको कि बेरोजगारी, जिसको लेकर हमेशा सरकार घिरती भी नजर आ रही है, विपक्ष हमेशा सरकारों को घेरता हुआ नजर आया है, बेरोजगारी को लेकर इस बजट में कैसे बेरोजगारी खत्म की जाए, क्या कुछ बेरोजगारों के लिए प्रावधान होगा, क्या नौकरियों में किस तरीके से इजाफा किया जाएगा इस बजट में, ये भी खास होगा। साथ ही बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है, और 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इस बजट को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत का यह बजट ऐसे समय में पेश हो रहा है जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होती हुई नजर आ रही है, चाहे हम कोविड काल देखें या हम अर्थव्यवस्था की बात करें, ये धीमी पड़ती हुई नजर आई है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आया इसका देश की अर्थव्यवस्था पे काफी बड़ा रोक लगता हुआ नजर आया है। और बता दें कि भारत का यह बजट ऐसे समय में आया है जिसको लेकर लोगों को, मिडिल क्लास को काफी उम्मीद है, बेरोजगारों को काफी उम्मीद है, और सबकी नजर इस बजट पे है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट पे है, क्योंकि इस बजट को लेकर क्या कुछ किया जाएगा, किस तरीके से मिडिल क्लास को राहत दी जाएगी ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और साथ ही बता दें कि और इसी खबर पर मेरी सहयोगी काजोल नारायण जुड़ गई है। काजोल, जिस तरीके से अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी है, बजट पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है, पांचवी बार बजट पेश करने वाली वो पहली महिला है, क्या लगता है क्या कुछ खास रहने वाला है इस बजट में काजोल? देखा जाए तो ये बजट बेहद ही खास है, और निर्मला सीतारमण पांचवी बार बजट पेश करी है जैसे कि आपने अभी बताया, और मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी बजट है, और इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें लोगों को है, खासकर की जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत डाउन जा रही है, लेकिन मोदी सरकार से पूरे वर्ल्ड को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और जैसे कि निर्मला सीतारमण लगातार बता रही है कि मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस बजट को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार जो है वो दुनिया में बहुत धीरे पड़ चुकी है। साथ ही साथ अगर विकास दर की हम बात करें तो 6.8% रहने की उम्मीद जताई जा रही है, इसमें भारत को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में माना जा रहा है। लेकिन विपक्ष की जो उम्मीदें थी इस बजट से वो कितनी पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, या विपक्ष के जो सवाल है सरकार वो दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये सबसे बड़ा
सवाल है, फिलहाल तो भाषण शुरू हुआ है और बजट में कौन कौन से विभाग के लिए, कौन कौन से क्षेत्र के लिए क्या कुछ रहने वाला है, कितनी उम्मीदें लोगों की पूरी होने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है सोनाली। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष तो है ही, लेकिन काजोल ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि मिडिल क्लास को बहुत उम्मीदें होती है हमेशा बजट से, और मिडिल क्लास जो है हमेशा से इस बजट को लेकर वो कहता हुआ नजर आता है कि हम इस बजट से संतुष्ट नहीं है। इस बार के बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ खास हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्यों काजोल? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है मिडिल क्लास के लिए। देखिए, हर बार बजट आता है, हर साल बजट पेश होता है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत सारी उम्मीदें होती है, लेकिन हर बार होता है कि उनके लिए उनके हाथ कुछ नहीं लगता, हर बार उनके हाथ जो है वो खाली से हो जाते हैं। देखिए, कभी भी आज का दिन ऐसा है, इस टाइम मैं भी ट्रेवल कर रही हूँ, आज का दिन ऐसा है कि हर ऊपर पे, हर चाय की दुकान पे चर्चा हो रही होगी बजट में उनके लिए क्या कुछ है। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ी है पिछले दिनों, हमने कोरोना देखा, कोरोना के बाद से हर जगह जीएसटी भी इतनी ज्यादा लग रही है, तो लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी है। देखिए, आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाती है तो आपको 18% 24% जीएसटी देनी पड़ती है, तो उससे परेशान है एक मिडिल क्लास इंसान, अपने पूरी परिवार को एक अच्छी जगह ले जाकर खाना खिला सके, जो रोजमर्रा की जरूरतों का सामान है वो सही कीमत पर मिल जाए, बस यही उम्मीदें मिडिल क्लास के लोगों को रहती है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अभी हमने देखा था पिछले दिनों जो सोने के दाम थे वो बिल्कुल आसमान छू रहे थे, 60,000 तक सोना पहुंच गया था, तो अब उम्मीदें हैं कि धीरे धीरे करके जो उम्मीदें मोदी सरकार से पूरे वर्ल्ड लेवल पर है, वो आम जनता के लिए भी, जो भारतीय आम जनता है उसके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बेहतर साबित हो जाएगी, चाहे वो डीजल के दाम, चाहे वो सोने के दाम हो, चाहे वो पानी पीने की चीजें हो, खाद्य पदार्थ हो, मोटा अनाज हो, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर इसका राहत मिल जाए तो आम आदमी के लिए वाकई बहुत अच्छी बात है। टैक्स पर बिल्कुल 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 काजोल, आप खुद एक महिला है, महिला सशक्तिकरण जो एक अहम मुद्दा रहा है और इसको लेकर हमेशा से सरकार जो है सवालों के घेरे में रही है, क्या लगता है इस बजट में महिला सशक्तिकरण को किस तरीके से जोड़ दिया जा सकता है? बिल्कुल तो दिया जाएगा, हमने देखा था 20 जनवरी में जब हमने परेड देखी, बहुत सुंदर सुंदर झांकियां देखी, और जो हमने वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण को हमने सुना था, जो शब्दावली हमने सुनी थी, महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि महिला देखिए अब वो भारत नहीं है कि आज से 75 साल पहले वाला भारत है, अब भारत है कि महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही है, हर एक फील्ड में आपको महिलाएं मिल जाएंगी, फाइटर जनरल आदि भी महिलाएं मिल जाएंगी, तो महिला हर फील्ड में, और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा तो दिया ही जा रहा है उनके लिए। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत की सारी महिलाएं जो है वो कामकाजी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी, एक बड़ा तबका ऐसा है जो घरेलू है, घर संभालती है, जैसे हमारे अमित शाह गृह मंत्री है तो हमारी होम मिनिस्टर जो है वो महिलाएं होती है जो अपने पूरे घर को संभालती है, उनका में कितना बजट उनके लिए इम्पोर्टेंट है, कितना फिट हो पा रहा है इस बजट के हिसाब से, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए ये हो जाता है, उनके लिए दाल की कीमत क्या है, अनाज की कीमत क्या है, तेल की कीमत क्या है, दूध की कीमत क्या है, ये रोजमर्रा का सामान है, ये उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्या वो उस पैसे से उतना बचा पा रही है नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं चुकूर है गैस के दाम, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो सब्सिडी वाले हो, इस पर भी महिलाओं का पूरा फोकस रहता है, तो अभी देखना होगा, अभी तो भाषण की शुरुआत हुई है, क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ नया होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या होगा, निम्न स्तर के लोगों के लिए क्या होगा, ग्रामीण लोगों के लिए क्या होगा, शहरी लोगों के लिए क्या होगा, थोड़ा सा इंतजार और करना होगा सोनाली, हमें अभी भाषण की शुरुआत है। बिल्कुल काजल सही बोल रहे हैं आप, थोड़ा इंतजार और फिर देश का बजट जिसको लेकर आम आदमी की नजर इस बजट पर है, ये हमें देखने को मिलेगी, सबकी नजर इस बजट पर है काजल, क्योंकि लोगों का ये कहना है और लोग ये सोचते हैं कि हमारे पॉकेट में कितना पैसा बचे, ये एक अहम सवाल है, और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं बच रहा है और चीजें, तमाम चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर ये बजट भी काफी अहम देखने को मिलेगा काजोल जी। बिल्कुल, बजट अहम इसलिए हो जाता है, देखिए अगर हम किसी परिवार से आ रहे हैं तो हमारी फैमिली का जो भी अर्निंग सोर्स है हम उसी के हिसाब से पूरे घर का बजट बनाते हैं, लेकिन ये देश का बजट है, देश में कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, कितने लोगों को नहीं मिलेगी, युवाओं के लिए क्या होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है शिक्षा वर्ग में, क्योंकि आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप देश आगे नहीं बढ़ सकते, सबसे ज्यादा शिक्षा महत्वपूर्ण है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना बजट आ रहा है और कितना खर्च हो
हुआ है, क्योंकि पिछले बजट के कंपैरिजन हम देखेंगे कि एक साल में सरकार ने क्या किया हमारे लिए, आम लोगों से यही उम्मीदें होती है। और विपक्ष का सवाल यहाँ पर इसलिए आ जाता है कि विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, जो निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन, उस पर बहुत ज्यादा फोकस होता है। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी अडानी ग्रुप को लेकर, इतनी सारी बातें निकलकर सामने आई कि वो भी कई देश छोड़कर जाने वाले हैं, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिलाकर रख लिया है। अब पूरा ठीक रहा आप उस पर नहीं खोल सकते हैं, सरकार बजट लेकर आ रही है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, आप उसका फायदा कैसे ले रहे हैं, ये भी पूरी तरह से डिपेंड करता है और ये हमारा हक है। बिल्कुल बिल्कुल काजल, और जिस तरीके से ये बजट सामने आएगा, अब इस बजट में व्यापार को किस तरीके से संतुलित किया जाता है, और गरीब कल्याण योजना तो काजल हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि सरकारें बदली लेकिन गरीब कल्याण योजना को लेकर गरीब संतुष्ट कभी नहीं नजर आया। बिल्कुल काजल, जो परियोजनाएं होती है, जो योजनाएं होती है, उस पर ब्रेक लगाना वो जरूरी नहीं है। वो योजना कितनी इम्पोर्टेंट है देश के लिए वो डिपेंड करता है। गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, और अभी आपने व्यापार वर्ग की बात करी, देखिए व्यापारी पिछले दिनों हमने देखा था, क्योंकि हम भी ग्राउंड जीरो पर बने रहते हैं, व्यापारी वर्ग बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर परेशान है, तो उनके लिए क्या कुछ आज खास होगा? और कुछ ना कुछ जरूर होगा, जब पिटारा खुलेगा, लाल किताब खुलेगी, तो उसमें बहुत कुछ मिलने वाला है, निर्मला सीतारमण बहुत कुछ लेकर आएंगी। लेकिन सवाल ये, जैसे लघु उद्योग की बात हो, उद्यम उद्योग की बात हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ाना है, उनको कैसे स्टेबल करना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बजट हमने पिछले साल भी देखा था, बहुत बड़ा बजट था, लेकिन एक साल में वो हम रिकवर नहीं कर पाए। हमारी अर्थव्यवस्था जिस पर उम्मीदें पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया की निगाहें, देखिए सिर्फ देश का बजट है, भारत का बजट है, लेकिन दुनिया देख रही है कि मोदी सरकार 2.0 में जो अंतिम पूर्ण बजट है वो क्या है। बिल्कुल काजल जी, बिल्कुल, एक तरफ बजट की बात हो गई, तमाम चीजें हो गई, महंगाई दर हो गई, तमाम चीजें हो गई, लेकिन हम ग्रीन एनर्जी जिसको हम कहते हैं, और प्रधानमंत्री से लेकर नितिन गडकरी इसको बढ़ावा देते हुए, इस पर बोलते हुए नजर आते हैं, क्या हमारे देश अब ग्रीन एनर्जी की तरफ और भी आगे कदम उठाता हुआ बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्या इंडिया ग्रीन एनर्जी की तरफ खिसकता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल 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 सोनाली, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया की निगाहें हैं, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है पिछले कई सालों से, और जिस तरह से भारत ने प्रण लिया है कि वापस से हम जो पौधा रोपण कर रहे हैं, जो वृक्षारोपण कर रहे हैं, वो इसीलिए है, इलेक्ट्रिक चीजों पर हम बढ़ रहे हैं। आप तो बड़े बड़े ब्रांड्स पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां निकाल रहे हैं, स्कूटी निकाल रहे हैं, कारें निकाल रहे हैं, बसें चल रही है, ताकि पोल्यूशन कम हो, पोल्यूशन की वजह से हम ग्रीनरी ज्यादा देख सके, अपने पर्यावरण को बचा सके। तो भारत तो पूरी तरह से फोकस है ही इन सब चीजों पर, और इसीलिए पूरी दुनिया की निगाह इस तरह बनी हुई है। बिल्कुल नहीं है कि हम आगे कदम नहीं उठाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से कारगर साबित है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बस देखें या इलेक्ट्रॉनिक कारें देखें, देखिए जो पेट्रोल से या डीजल से गाड़ियां चलती है वो आपको उतना महंगा भी पड़ता है, और इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्राकृतिक किसी सोर्स की जरूरत नहीं होती है, और उसका भी एक अच्छा खासा जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, रिस्पॉन्स मिल रहा है, और वो उन्हें सस्ता भी पड़ता है, लोग उसकी तरफ आकर्षित है। बिल्कुल, ये बजट अपने आप में काजल बहुत खास है, और हमारा यही मकसद है कि सरल शब्दों में इस बजट को हम विस्तार से बता पाए। शुक्रिया आपका काजल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश कर रही है, उनके लाल पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है, क्या कुछ खास रहने वाला है, ये बहुत ही दिलचस्प है। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पढ़ती भी नजर आ रही है। ये बजट अपने आप में ही बहुत खास है, क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की ये बजट है, 2024 में चुनाव होने हैं, और ये बजट अपने आप में ही बहुत खास है। कोरोना के बावजूद भी सही रास्ते पर है अर्थव्यवस्था, सीतारमण इस बजट को लेकर पेश करती हुई नजर आई है। भारत ने चुनौतियों का सामना किया है, और साथ ही बता दें आपको कि
सबके प्रयास के जरिए व्यापक सुधार देखने को मिला है। निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करती हुई नजर आ रही है, देश की वित्त मंत्री, उन्होंने बजट को लेकर तमाम तरह की बातें कही है और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी पूर्ण बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करती हुई नजर आ रही है और इस बजट में देखना बहुत ही खास होगा कि किस तरीके से इस बजट को लेकर अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, टैक्स छूट को लेकर क्या कुछ कही जाती है। और इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही है और साथ ही बता दें आपको कि उनका यह कहना है कि कोरोना के बावजूद भी ये व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था है, वो लगभग ट्रैक पे आती भी नजर आ रही है। और जिस तरीके से कोरोना का समय हमने देखा, पूरे देश ने देखा, और किस तरीके से महामारी देखने को मिली और इसके बाद ये बजट का पेश होना और अर्थव्यवस्था को ट्रैक पे लाने की कोशिश करना, यह बहुत ही दिलचस्प है। हमारे साथ सैयद जुड़ गए हैं और सैयद, जिस तरीके से आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही है, पांचवीं बार वो देश की पहली महिला है जो बजट पेश करती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ अभी हो रहा है और क्या कुछ चीजों पर ये बजट जो है बजट पेश होता हुआ नजर आएगा, किन किन क्षेत्रों में जो है राहत मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सुनाने, देखिए जिस तरीके से उम्मीदें थी, फिलहाल अभी वो उम्मीदें पूरी तरीके से टूटी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ खास निर्मला सीतारमण यानी वित्त मंत्री के पिटारे से अभी निकला नहीं है। खासकर जो बात करें, चाहे कृषि क्षेत्र को लेकर काफी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन उस पर अमल कब तक होगा इसका अभी खुलासा भी नहीं हुआ था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अगले साल इस पर पूरा ब्लू प्रिंट तैयार किया जाएगा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में नई योजनाएं लेके आई जाएंगी, कृषि क्षेत्र में को बढ़ावा देने के लिए नई चीजें लेके आए जाएंगे। दूसरी तरफ जो मैन होल्स होते हैं, जो सीवर और दूसरे जो है सफाई का जो काम है, वो मशीनों के द्वारा किया जा रहा था। ये पहले भी, इससे पहले भी कहा गया था, लेकिन अभी तक उस पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। तो एक बार फिर उसी पिछले बार के बजट को एक बार दोहराने की कोशिश जरूर है अभी फिलहाल, लेकिन अभी देखना यह है कि पूरी तरीके से अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो पिटारा है वो खुला नहीं है। आम जनता को इससे कितनी राहत मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक पे कितनी राहत मिलेगी, जो हाउस होल्ड गुड्स है उस पर कितनी राहत मिलेगी, और साफ तौर पर कहा जाए कृषि क्षेत्र में 20 लाख करोड़ का कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मुताबिक अगर 20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज आप देते तो पैसा, वो फंडिंग कहाँ से होगी, कैसे होगी और उसकी रिकवरी कैसे होगी, उन सब चीजों का एक ब्लूप्रिंट तैयार होना है बाकी है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल जो छोटे सेक्टर हैं, छोटे एमएसएमई हैं, उनको अभी कोई ज्यादा फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा फिलहाल। अभी तक के भाषण में जो कहा गया था, स्कूल में जो कह सकते 2047 तक का ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि स्कूल में जो बच्चों को उनकी कमी हो जाती है, उनको बीमारियां होती हैं, उससे लड़ने के लिए कई सारी चीजें विकसित होंगी। दूसरी तरफ ये कहता नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो हर बार के बजट में नया आगे हम ये करेंगे इसका वादा जरूर किया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा पिछली बार भी बहुत सारे वादे थे, लेकिन इस साल भी अभी तक उन वादों पर कोई भी अपनी जामा पहनाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन निर्मला सीतारमण से इस बार उम्मीद ये थी जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको राहत मिलेगी, चाहे वो महंगाई लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है उसको लेके, रोजगार की बात करें उसको लेके क्या, रोजगार का फिलहाल अभी ज्यादा कुछ दिया नहीं गया। बाकी आदिवासी शहरों में 15,000 करोड़ रुपए का इन्होंने लक्ष्य रखा है कि इस पे उसको बांटेंगे और उसकी तरह स्कूल खोले जाएंगे, उसमें उनके जो काम है वो किए जाएंगे। तो ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी अभी होगी, क्योंकि अभी जब तक पूरा बजट सामने नहीं आता तब तक कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकती है। सोनाली, बिल्कुल बिल्कुल सही है, जब तक ये पूरा बजट सामने नहीं आता है कहना काफी मुश्किल है, लेकिन सरकार लाभार्थी का जिक्र करती है सैयद हमेशा, और स्कीम भी कई तरह की लाई जाती है, क्योंकि हम आंखें बंद नहीं कर सकते, 9 राज्यों में चुनाव है, जम्मू कश्मीर होगा तो ये 10वां राज्य हो जाएगा, क्या कुछ पोजीशन रहेगी इसको लेकर। बिल्कुल कह सकते हैं कि सिर्फ यही नहीं, 2024 का चुनाव भी इसी बजट पे एक तरीके से अगर हम कहें तो टिका हुआ है। वो उसकी वजह ये साफ है कि निर्मला सीतारमण देश की पहली जो है वो महिला वित्त मंत्री है जो इतना लंबा और बड़ा बजट पेश कर रही है। लेकिन यही साथ साथ बात करें, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनको चाहे इनकम में छूट की बात हो, चाहे वो उनका रोजगार बढ़ाने की बात हो, चाहे जो महंगाई दर है उसको कम करने की बात हो, जो कह सकते हैं कि जो कृषि क्षेत्र में जो मोटे अनाज पैदा करते थे उनको बढ़ावा देने की बात हो, तो
स्कीम बहुत सारी हैं सोनाली, लेकिन उस स्कीम पर कितना अमलीजामा पहनाया जाता है देखने वाली बात की होती है। सरकारें वादा तो करती हैं, सब सारी चीजें होती हैं उसमें कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इतने 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आएंगे, लेकिन उनको सब चीजों को कह सकते हैं कि जमीन पर उतारने की जो कवायद है वो पूरी तरीके से होती नजर नहीं आ रही है। तो गरीब जनता को सरकार पैसा देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ पीएम आवास फंड को बढ़ा, जो योजना है पीएम आवास की उसका फंड बढ़ाया जाएगा, लेकिन एक चीज ये पॉजिटिव साइन जरूर है कि जो पीएम आवास के तहत जो घर गरीबों को लाभार्थियों को मिले हैं वो काफी संख्या में, करीब अभी तक 20 लाख से ऊपर तक के जो लोग हैं उनको घर दिया जा चुका है, 20 लाख से ज्यादा लोगों को दिया जा चुका है, और 740 एकलव्य मॉडल स्कूल और 3.5 लाख छात्र को उसमें रोजगार देने की काम बात की गई है। स्कूलों के थोड़ा सा एजुकेशन को लेकर निर्मला सीतारमन थोड़ा सा इस वक्त ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है, क्योंकि शिक्षा के ऊपर जोर देने की कवायद जो थी वो कहा जा रहा था। तो अभी थोड़ा सा जल्दबाजी इस बात को लेकर भी होगी कि जो दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो मुफ्त अनाज मिलता है वो बजट में बताया गया कि एक साल और आगे तक अभी दिया जाएगा। सिर्फ मुफ्त अनाज दे देने भर से आप जो मेन जरूरतें हैं घर की, हाउस होल्ड जो रहती हैं, ग्रॉसरी आइटम्स हैं, उनको आप थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा फिलहाल सोनाली। बिल्कुल बिल्कुल सैयद, लेकिन हम किसान और साथ ही गरीब कल्याण योजना को हम नहीं भूल सकते हैं। किसान हमेशा बजट को लेकर तमाम तरीके के विरोध करती भी नजर आती है, कहती भी नजर आती है, वह संतुष्ट नहीं नजर आती है बजट को लेकर। गरीब कल्याण योजना की अगर हम बात करें तो सरकारें बदली लेकिन गरीब कल्याण योजना में गरीबों को अभी राहत नहीं मिल पाया है। इस पर भी क्या इस बजट में कुछ अलग देखने को मिल सकता है, क्या इनको राहत दी जा सकती है सैयद? देखिए सोनाली, जैसा आपने कहा कि किसानों को लेकर कहा गया कि हमको उन्नत खेती के लिए उनको ट्रेनिंग देंगे, ये पिछली बार भी हुआ था, उससे पिछली बार भी हुआ था, ट्रेनिंग कितनी हुई वो सबके सामने है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जिस तरीके से पैकेज की बात की जाती है, सबसे मेन बात किसानों को लेकर जो सोनाली देखने को मिलती है वो कर्ज है, जो लोन वो लेते हैं बैंकों से उसकी अदायगी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि एक ओपन सच है, खुला सच है जिसको नकारा नहीं जा सकता। अगर सरकार इन पर ज्यादा इन बिंदुओं पर केंद्रित नहीं होती है तो उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 9 राज्यों में चुनाव जरूर है, जैसा कि आपने बताया 10वां राज्य, अगर जम्मू कश्मीर को भी फाइनल करते हैं तो 10 राज्य में 2023 के अंदर चुनाव होगा, 2024 में जनवरी से ही 2024 के लोकसभा इलेक्शन की जो है शुरुआत हो जाएगी। तो ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकती है कि इस चीज को लेकर कि जिस तरीके से कहा गया था कि आपका जो बजट ठहराएगा वो आम मध्यम वर्गियों को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक निर्मला सीतारमन के बिटारे से मध्यम वर्गियों के लिए बहुत ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया सैयद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हुई नजर आ रही है और इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा ये बहुत ही अहम होगा। क्यों अगर हम बात करें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की, तो ये बजट जो है ये आखिरी बजट है और ये भारत का ऐसे समय में ये बजट सामने आया है जब भारत ने तमाम चीज़ें देखी है, कोविड का समय भी देखा है, और उसके बाद से ये बजट पेश करना और पांचवा बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण जो है वे महिला है, पहली महिला है, और उन्होंने बता दें कि बजट पढ़ने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और तमाम चीजें हैं, जैसे कि टैक्स छूट की बात करें, आयकर की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, किसानों की बात करें, कारोबारियों की बात करें, तमाम चीजें हैं, महिलाओं को लेकर भी तमाम चीजें हैं, महिला सशक्तिकरण है, महिला सुरक्षा है, MSME है, शिक्षा पर अवसर है, और ज्यादा टैक्स रिबेट को लेकर भी तमाम चीजें हैं। इस पर किस तरीके से राहत मिलती है, मिडिल क्लास को किस तरीके से राहत दी जाती है और किसान को किस तरीके से राहत दी जाती है, बजट में देखना काफी अहम होगा। क्या कुछ निकलेगा निर्मला सीतारमण के पिटारे से यह भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।